नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आपका जीके एस्ट्रोलॉजी में। मैं हैदराबाद से पंडित गजानन कृष्ण महाराज। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे साल 2022 में पर्वों का बड़ा पर्व महापर्व लक्ष्मी जी की आराधना का सबसे श्रेष्ठ समय दीपावली कब है और इस दिन पगलियां मारना, महालक्ष्मी जी को पूजा करने का और नया व्यापार करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसको जानते हैं। इस साल यह पर्व आएगा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 24 अक्टूबर 2022 सोमवार को। इस दिन प्रातः सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पगलियां मारने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस दिन गादी स्थापना करना और पगलियां मारने का शुभ मुहूर्त रहेगा। प्रारंभ प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4:41 से 7:28 और इसके बाद पगलियां मारना और गादी स्थापना का मुहूर्त रहेगा 9:13 से 9:57। तो यह तो हुआ आपकी गादी स्थापना करना और पगलियां मारने का। दुकान में, घर में, जहां आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे वहां सुबह पगलियां मारते हैं, लक्ष्मी जी के चरणों को बनाते हैं। इसके बाद आइए अब जानते हैं सबसे पहले चौगड़िया के अनुसार, जिसका महत्व कम है शास्त्रों में। शास्त्र तो मूलतः लग्न या होरा को ही महत्व देते हैं, लेकिन जो लोग चौगड़िया अनुसार पूजा करते हैं उनके लिए अमृत का चौगड़िया रहेगा प्रातः 6 से 7:30 तक। इसके बाद शुभ का चौगड़िया रहेगा सुबह के 9 से 10:30 तक। इसके बाद चंचल का चौगड़िया रहेगा दोपहर के 1:30 से 3:00 तक। इसके बाद लाभ का चौगड़िया रहेगा दोपहर के 3 से 4:30 तक। तो यह तो हुआ चौगड़िया का मुहूर्त। अब सबसे श्रेष्ठ समय हम बात करते हैं लग्न का और गोधूलिक और प्रदोष काल का। इसी में पूजा सर्वश्रेष्ठ होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुबह के शुभ मुहूर्त का। सबसे पहले प्रातः रहेगा वृश्चिक लग्न 7:58 से 10:02। इसके बाद कुंभ लग्न आएगा दोपहर 2:09 से 3:57। तो यह तो हुआ सुबह और दोपहर का मुहूर्त। इसके बाद जो लक्ष्मी पूजा का सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है, जिसको हम लोग प्रदोष या गोधूलिक बेला भी कहते हैं, तो यह समय रहेगा सायंकाल 5:41 से 6:18। इसके बाद आप वृषभ लग्न में शाम के 7:07 से 9:07 यह सायंकाल के समय। इसके बाद महानिशा काल रहेगा, यह महानिशा का काल रात्रि 11:35 से 12:25 तक। महानिशा काल में अक्सर जो तांत्रिक क्रियाएं होती है लक्ष्मी जी को रिझाने की, वो संपन्न की जाती है। और उसके बाद रात्रि का मुहूर्त रहेगा सिंह लग्न 1:32 से 3:39। यह सिंह लग्न का मुहूर्त है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा सिंह लग्न तो 3:39 तक है, लेकिन क्योंकि 3:15 या कोई कोई स्थानों में भारत में 3:30 तक दूसरे दिन सूतक रहेगा, ग्रहण का ग्रहण रहेगा, उसका सूतक पूर्व में लग जाएगा। तो आप प्रयास करें कि किसी भी तरह 3 से पहले पहले महालक्ष्मी जी की पूजा कर ले, महालक्ष्मी जी की आरती कर ले। और मैं तो यह कहता हूँ कि भले ही आप गोधूलिक में पूजा कर रहे हो, सुबह कर रहे हो या सिंह लग्न में, नया व्यापार कर लेना उसी समय पूजा होते ही, क्योंकि लक्ष्मी जी उस समय साक्षात वहीं विराजमान रहती है। तो आप नया व्यापार भी हाथों हाथ ही कर ले, लेकिन इस बात का बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखें कि 3 से पहले आपको लक्ष्मी जी की आराधना, पूजा, आरती, दीपक और फटाके आदि, जो भी फटाके तो चलो ठीक है, उसका कोई मुहूर्त नहीं है, लेकिन जो आध्यात्मिक कार्य है वो आपको 3 संपन्न कर देने होंगे, क्योंकि इसके बाद ग्रहण का सूतक लग जाएगा। आप सभी को इस दीपावली के पर्व की मंगलमय शुभकामना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।